हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी विच थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लकड़ी मिलती है ना, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं। और इसके अलावा वेजिटेबल्स है, अनाज है, एवरीथिंग पेड़ों से ही प्राप्त होता है। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ लेसन, वुमेन फॉर ट्रीज। इन दिस लेसन कुछ औरतें हैं जो पेड़ों को बचाने के लिए सामने आती हैं और उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। वुमेन फॉर ट्रीज। भालापुर इज अ विलेज नियरली 84 किलोमीटर्स फ्रॉम द ब्लॉक ऑफिस ऑफ मोहला इन द राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ब्लॉक ऑफिस विकासखंड कार्यालय और डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला। तो बच्चों, भालापुर एक गांव है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के विकासखंड कार्यालय से 84 किलोमीटर के लगभग स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं। टुडे ऑन व्हाट वाज अ 12 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ डीफॉरेस्टेड लैंड स्टैंड्स अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट। इन द मिड एथिक्स विक्रम ऑफ भालापुर ऑर्गेनाइज्ड ऑल द विमेन इन द विलेज लार्जली दलित्स एंड आदिवासीज इन टू महिला मंडल। डेंस का मीनिंग है बच्चों घना, सघन। डिफॉरेस्टेड लैंड। डिफॉरेस्टेड लैंड का मीनिंग होता है वंचित भूमि या वन रहित भूमि, जहाँ के सारे पेड़ काट दिए गए हों। टुडे ऑन वॉट वॉज अ 12 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेड लैंड स्टैंड्स अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट। आज जहाँ 12 हेक्टेयर जमीन जो वन रहित थी, वहाँ एक सघन हरा भरा जंगल खड़ा है। इन द मिड एथिक्स विक्रम ऑफ भालापुर ऑर्गेनाइज्ड ऑल द विमेन इन द विलेज लार्जली दलित्स एंड आदिवासीज इन टू महिला मंडल। 80 के मध्य में भालापुर के विक्रम ने कुछ दलित और आदिवासी महिलाओं को लेकर एक महिला मंडल का निर्माण किया। द महिला मंडल हैड डिस्कशंस ऑन विलेज प्रॉब्लम्स। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कशंस दैट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वॉज कलेक्टिंग फायर वुड। द विलेज फॉरेस्ट वॉज श्रिंकिंग थैंक्स फेलिंग ऑफ ट्रीज बाई इनसेंसिटिव पीपुल। बच्चों, एविडेंट का मीनिंग है प्रत्यक्ष या स्पष्ट। श्रिंक मीन्स सिकुड़ जाना और फेलिंग ऑफ ट्रीज मीन्स गिराए गए पेड़। द महिला मंडल हैड डिस्कशंस ऑन विलेज प्रॉब्लम्स। महिला मंडल गांव की समस्याओं पर आपस में चर्चा करते थे। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कशंस दैट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वॉज कलेक्टिंग फायरवुड। उनकी सबसे बड़ी समस्या जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने की है। द विलेज फॉरेस्ट वॉज श्रिंकिंग। गांव के जो जंगल है वो सिकुड़ रहे थे, इसलिए जलाऊ लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रही थी। थैंक्स टू द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाई इनसेंसिटिव पीपल। जो इनसेंसिटिव पीपल हैं, जो पेड़ों को गिरा रहे हैं, उन्हें धन्यवाद। तो बच्चों, हम ऐसे लोगों को धन्यवाद तो नहीं देंगे, ये एक प्रकार का व्यंग है। द फॉरेस्ट लैंड एट द टाइम वॉज फुल ऑफ स्टम्स ऑफ फेल्ड ट्रीज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। द विमेन डग डीप ट्रेंचेस ऑल अराउंड द डिफॉरेस्टेड एरिया। दे स्टूड अप एज गार्ड्स अगेंस्ट पोचर्स एंड टिम्बर माफिया। तो बच्चों, ग्रेजिंग यानी होता है चरना, ट्रेंचेस मीन्स खाइया, पोचर्स मीन्स होता है लुक एट द पिक्चर, गैर कानूनी ढंग से शिकार करने वाला व्यक्ति या शिकार चोर, और टिम्बर माफिया यानी होता है गैर कानूनी ढंग से चोरी की लकड़ियों को बेचने वाला संगठन या गिरोह। द फॉरेस्ट लैंड एट द टाइम वॉज फुल ऑफ स्टम्प्स ऑफ फेल्ड ट्रीज। उस जंगल की जमीन उस वक्त बहुत सारे गिराए गए पेड़ों से, उनके ठूट से भरी पड़ी थी। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स द वुमेन डग डीप ट्रेंचेस ऑल अराउंड द डिफॉरेस्टेड एरिया। जो चरने वाले पशु है उनसे सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं ने जो डिफॉरेस्टेड लैंड है उसके चारों तरफ गहरी खाइयां खोद दी।
दे स्टूड अप एज गार्ड्स अगेंस्ट पोचर्स एंड टिम्बर माफिया, और शिकारी और लकड़ी चोरों के सामने महिलाएं एक पहरेदार की तरह खड़ी हो गईं। सून लीव्स स्टार्टेड टू स्प्राउट ऑन द स्टम्स। टुडे अ डेंस फॉरेस्ट स्टैंड्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। द ड्राई ट्विग्स फुलफिल द लोकल्स नीड फॉर फायरवुड एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द न्यू फॉरेस्ट इज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर एफर्ट्स। बच्चों, स्प्राउट मीन्स होता है अंकुरित होना, स्टम्प मीन्स ठूट, पेड़ को काट देने के बाद उसका जो भाग दिखता है वो होता है ठूट, आउट स्कर्ट मीन्स बाहरी इलाका, ट्विग्स मीन्स टहनिया। बच्चों, बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है पृथ्वी के विभिन्न आवासों से तरह तरह के जंतु जातियों की उपस्थिति। सून लीव्स स्टार्टेड टू स्प्राउट ऑन द स्टम्प्स। जल्दी ही स्टम्प में यानी कि ठूट में पत्तियां अंकुरित होने लगी। टुडे अ डेंस फॉरेस्ट स्टैंड्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। आज एक सघन जंगल गांव के चारों ओर खड़ा है। द ड्राई ट्विग्स फुलफिल द लोकल्स नीड फॉर फायर वुड एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द न्यू फॉरेस्ट इज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर एफर्ट्स। सूखी टहनियाँ गांव के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो वहां के लोकल लोगों की उनके एफर्ट की पुरस्कार है। लेटर प्लांटेशंस वर डन बाई द लोकल्स। द सक्सेसफुल इनिशिएटिव हैज ऑल्सो इंस्पायर्ड दोज इन द विलेज हु हैड इनिशियली अपोज्ड द एफर्ट। बच्चों, सक्सेसफुल इनिशिएटिव मीन्स होता है सफल पहल, इनिशियली मीन्स शुरुआत में, लेटर बाद में, प्लांटेशंस वर डन बाय द लोकल्स, बाद में वहाँ के लोकल गांववासियों के द्वारा भी प्लांटेशन किया गया। और द सक्सेसफुल इनिशिएटिव हैज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड दोज इन द विलेज हु हैड इनिशियली अपोज्ड द एफर्ट। और एक सफल पहल की शुरुआत इन महिलाओं से प्रेरित होकर उन लोगों के द्वारा, उन गांववासियों के द्वारा भी की गई जो पहले इस शुरुआत का विरोध करते थे। इट इज नॉट बिग प्रोजेक्ट्स एंड मनी दैट विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, बट इफ ड्यू इम्पोर्टेंस इज गिवन टू लोकल नीड्स पीपल विल कम फॉरवर्ड देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। प्रोटेक्ट मीन्स बचाओ। इट इज़ नॉट बिग प्रोजेक्ट्स एंड मनी दैट विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। यह कोई बहुत बड़ा और बहुत पैसे का प्रोजेक्ट नहीं है जो कि हमारे जंगल के बचाव के लिए होगा। बट इफ ड्यू इम्पोर्टेंस इज गिवन टू लोकल नीड्स पीपल विल कम फॉरवर्ड देमसेल्व टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। किंतु यदि गाँव वासियों के सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए तो लोग स्वयं इस प्रोजेक्ट में आएंगे और हमारे जंगल को बचाने के लिए कार्य करेंगे। इस लेसन से हमें एक मॉरल मिलता है कि आपको और हम सबको क्या करना चाहिए, सेव ट्रीज सेव आवर फॉरेस्ट। हमें अपने जंगल और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। तो अब हम एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज भालापुर सिचुएटेड। आपने लेसन में पढ़ा है भालापुर इज सिचुएटेड 84 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ब्लॉक ऑफिस ऑफ मोहला इन द राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक कार्यालय से 84 किलोमीटर के लगभग भालापुर गांव स्थित है। हु वर द मेंबर्स ऑफ द महिला मंडल ऑफ भालापुर। जो महिला मंडल का निर्माण किया गया था उसके मेंबर्स सदस्य कौन थे। द दलित एंड आदिवासी विमेन वेर द मेंबर्स ऑफ द महिला मंडल। महिला मंडल की सदस्य दलित और आदिवासी महिलाएं थी। वॉट वॉज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट द वुमेन फेस्ड। सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी जो महिलाएं जिनका सामना करती थी। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट द वुमेन फेस्ड वॉज कलेक्शन फायर वुड। स्थानीय लोगों की जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता
जो थी वो सबसे बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज द विलेज फॉरेस्ट श्रिंकिंग, गांव के जंगल सिकुड़ क्यों रहे थे। द विलेज फॉरेस्ट वॉज श्रिंकिंग ड्यू टू द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाई इनसेंसिटिव पीपल एंड कट डाउन बाई टिम्बर माफिया। जो इनसेंसिटिव पीपल थे उन लोगों की वजह से, गिराए गए पेड़ों की वजह से, और जो टिम्बर माफिया के लोग थे जो जंगलों को काट रहे थे, उन दोनों की वजह से हमारे गांव के जंगल सिकुड़ रहे थे। What did the women do to protect the forest from grazing animals? चारा चरने वाले पशुओं से बचाने के लिए महिलाओं ने क्या किया। The women dug deep trenches all around the forest area to protect the forest from grazing animals. चारा चरने वाले पशुओं से जंगल को बचाने के लिए महिलाओं ने उसके चारों ओर गहरी खाई खोदी। What is the result of the efforts made by the women of Bhalapur? भालापुर की महिलाओं के द्वारा एफर्ट लगाया गया था, उसका परिणाम क्या निकला। द रिजल्ट इज दैट टूडे अ डेंस फॉरेस्ट स्टैंड्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। इसका परिणाम आज यह निकला कि आज उनके गांव के चारों तरफ एक घना सघन जंगल खड़ा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अरेंज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स रिलेटेड विद द गिवन वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड दिया है और उस वर्ड से रिलेटेड संबंधित जो भी शब्द है वो आपको स्पेलिंग हिंट के रूप में दी है, उसको रीअरेंज करके आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल वुड, तो वुड से रिलेटेड वर्ड है यहाँ पर, एक मैंने बनाया है टिम्बर। उसके बाद सेकंड और थर्ड आपको बनाना है, फोर्थ आई हैव डन ट्विग, ये वुड से रिलेटेड है। फील से रिलेटेड वर्ड आपको इन स्पेलिंग से बनाना है, वुड एंड गैस ये मैंने बनाया है। स्प्राउट, स्प राउट वर्ड यूज इन द लेसन, तो इससे मैंने बनाया है ग्रो, और बाकी आप लोग इसी तरह से बनाएंगे। इन नए वर्ड्स को फॉर्मेट करने के लिए आपको नीचे स्पेलिंग्स दी गई हैं, उसको रीअरेंज करके आप यहाँ नए वर्ड्स बना सकते हैं। नाउ हियर इज अ होमवर्क क्वेश्चन, मेक अ स्लोगन ऑन द टॉपिक सेव ट्रीज। हमने इस लेसन में ट्रीज के बारे में पढ़ा, तो इसके लिए हमें स्लोगन्स बनाना है आपको और लिखना है। गिव नेम्स ऑफ सम यूजफुल ट्रीज विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम बहुत सारे ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से जो यूजफुल है, जो मेडिसिन के लिए और दूसरी तरह की आवश्यकताओं के लिए जो पेड़ बहुत महत्व रखते हैं, उनको लिखना है हमें, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना है और घर में बड़ों को दिखाना है। सो चिल्ड्रन, गुड बाय, सी यू सून।